मेरा 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 नाम 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 सुंदरिका 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 परसवान 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 हाय 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 वाह क्या बात है, अनबिलीवेबल गाइज। तो आप कैसा किस किस तरह का आवाज निकालते हैं? बकरी का सर, कुत्ता का, बमिलार का, बिलाई का। ओ भाई भाई, कुत्ता भाग गया, छोटे का बच्चा। सभा कोई के आपना वो रे, सभा के होता कावेला। हे हे हे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका दोस्त आपके साथ है। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग सासाराम के कलेक्ट्रेट में है, और आज हम आपको यहाँ पर एक ऐसे शख्स की मिलवाने वाले हैं जिसको आप देख कर सुन कर आप एकदम से हैरान हो जाएंगे दोस्तों। दरअसल वो जो है मतलब कुत्ता बिल्ली और मतलब बहुत सारे जानवर का जो है तरह तरह का आवाज़ निकालते हैं, और साथ में दोस्तों वो जो है बहुत ही सुंदर गाना भी गाते हैं। तो उन्हें से आज हम लोग आपको मिलवाने वाले हैं। तो कहीं आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल इन तक बने रहिएगा। वाह वाह क्या बात है, तालियां हो जाइए इनके लिए, क्या बात है। तो गाइस, अब मिलिए आप उस शख्स से जिसके बारे में अभी हम लोग जिक्र कर रहे थे, मिलिए। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका नेम क्या है, क्या नाम है आपका? मेरा 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 नाम 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 सुंदरिका 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 परसवान 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 हाय 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 हाय। अरे वाह, गाइस देख सकते हो इनका अभी आपने नाम सुना, और जिस तरह से ये नेम बोल रहे हैं अपना, इको में बोल रहे हैं दोस्तों, इको की आवाज साउंड प्रोड्यूस करके ये बोल रहे हैं दोस्तों। इनका नाम सुंदरिका पासवान है दोस्तों, और जैसा कि ये देख रहे हैं अभी यहाँ पर इको की आवाज निकालते हैं। तो आप कैसा किस किस तरह का आवाज निकालते हैं? बकरी का सर, कुत्ता का, बमिलार का, बिलाई का। अच्छा, बकरी का, कुत्ता का, बमिलार का और बिलाई का। बिलाई का, इतने सारे जानवरों का। एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस का भी आवाज निकालते हैं। अच्छा, तो बकरी का आवाज निकालिए। अरे अरे क्या बात है, क्या बात है, तालियां हो जाए इनके लिए। अच्छा, और क्या क्या निकालते हैं? कुत्ता का बचना का सर, कुत्ता का बचना, कुत्ता का बचना। अरे वाह, वाह गाइज, अपने बिहार में जो है ना टैलेंट की कमी नहीं है। अभी आप देख रहे हो इन सब को, और गाइज हूबहू जो होता है कुत्ता का बच्चा पप्पी का आवाज़ निकाल रहे हैं दोस्तों, एकदम मस्त निकाल रहे हैं। अच्छा, एम्बुलेंस का भी आवाज़ निकालते हैं अपना। अच्छा, एम्बुलेंस का निकालिए थोड़ा थोड़ा सा। वाह क्या बात है, अभी इन्होंने एम्बुलेंस का आवाज़ निकाला। बकरी को बुकियाता है वो बोलेगा। अच्छा, बकरी को बुकियाता है तब कैसे बोलता है सुनिए। वाह क्या बात है दोस्तों, अभी आपने देखा इतने सारे जानवरों का अभी आवाज आपने सुना। अच्छा, जानवर के अलावा आप और क्या मिमिक्री भी करते हैं क्या? लालू जादू का, लालू जादू का करते हैं। अच्छा, तो लालू जादू का थोड़ा सा हो जाए, थोड़ा सा जो होता है भाषण उनका थोड़ा सा सुना दीजिए। हमने जो बोला है गलत नहीं बोला है, कभी बोला है सही बोला है। वाह, तो गाइस अभी आपने देखा मिमिक्री भी कर लेते हैं अच्छी तरह से, लालू यादव का जो आवाज़ है वो भी निकाल लेते हैं, मतलब इनके अंदर जो है टैलेंट एकदम कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों। अच्छा, मिमिक्री के अलावा आप गाना भी गाते हैं क्या? हाँ हाँ। अच्छा, गाना मतलब कैसा गाते हैं आप गाना? बहुत सा नशा पताई पर गाते हैं सर। नशा उशा पर गाते हैं, बहुत सा लौंडा सब गाड़ी चलाता। अच्छा, है। अच्छा, हाँ हाँ,
बाइक पर वाइफ को बैठा कर पूरा तेज चलाता है। अच्छा, बाइक पर बैठा के एकदम तेज चलाएगा, लहरिया फार मारता है ना? जी जी जी, उस पर भी गाना निकाले, उस पर निकाले हैं। आए वो है दारू पीने गया है, उसमें घर का उसका घर में खर्ची नहीं है खाने के लिए। अच्छा, और दारू पीकर उधर पैसा खत्म कर दिया, उस पर गए हैं। तो दारू पर सबसे पहले स्टार्ट कीजिए, इसके बाद जो बाइक वाला होता है लहरिया कट मार के चलता है उस पर गई। अरे दारू छोड़ा गांजा छोड़ा, बदला अपन लाइन, ए भाई जी बदला अपन लाइन, बन रही हो शरीर शरीर, बन रही हो शरीर हो गुलाल के तरह, राजा गांजा जन पियो हो खराब हो जीव, दारू छोड़ गांजा छोड़ बदल अपन लाइन, ए भाई जी बदल अपन लाइन, बन रही हो शरीर शरीर, बन रही हो शरीर हो गुलाल के तरह, राजा गांजा जन पिय हो खराब हो जीव। वाह वाह, क्या बात है दोस्तों। हे जस्ट ऑसम, माइंड ब्लोइंग। खराब हो जीबा, खराब हो जीबा, खराब हो जीबा, राजा गांजा छोड़ हो खराब हो जीबा। वाह क्या बात है दोस्तों, जस्ट माइंड ब्लोइंग यार। भाई जिसके अंदर जो टैलेंट होता है भाई साहब, पता नहीं अफसोस जो लोग हैं वो गरीब पैदा हो जाते हैं। बट अच्छा, आप क्या करते हैं? क्या करेंगे सर, चाय पानी किसी को पिलाते हैं तो दो पैसा मिलता है। अच्छा, देख लो गाइस, यहीं पर कलेक्ट्रेट में रहते हैं सासाराम के, और यहीं पर जो है चाय पानी यहीं पर चलाते हैं, तो अपना मतलब इसी से अपना खर्चा पानी चलाते हैं ना जी। अच्छा, और कुछ नहीं करते हैं जी? ना सूर्य सर आ गए साहेबपुर तो कौची करें। हाँ हाँ, तो दारू पर अभी गाना गाया इन्होंने और बहुत ही सुरीली आवाज़ इनका है, आपने जैसे कि सुन ही लिया। तो मतलब ये सब जो गाना है आप कैसे सीखते हैं? अपने से लय है सर, मेरे पास में गाला है ना सर। हाँ हाँ, गाला से लय बैठा लेंगे, कोनो भारत शर्मा का बैठाना होगा, कोनो कलाकार को बैठाना होगा तो हम अपने से बैठा लेंगे। अच्छा, कोई लय में गाना हाँ। बैठाना होगा तो बैठा लीजिए, बैठा लेंगे। हाँ, वही जो कलाकार गाया हुआ है वहाँ पर, बॉम्बे में गाता है, हे धुन में गा रहा है तो उसी धुन में गा देंगे। अच्छा, उसी लय में गाएंगे, उसी धुन में गाएंगे, उसी टोन में गाएंगे सब। हाँ, तो आप जो लहरिया कट जो मारता है बाइक पर लड़कियों को बैठा कर, उसके बारे में बताना चाहते थे गाना चाहते थे। देखिए सर, वो जो है अब तो नया नया सब सिस्टम चला हुआ है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें बढ़िया बढ़िया गाड़ी आ रहा है, बाइक आ रहा है, तरह तरह का, तो वो अपना पत्नी को बैठा कर घुमा रहा है। सही बात, तो पत्नी शर्मा रही, कतनो है तो बिहार ना है सर, शर्म तो है, ऐसा बात नहीं है। तब देखिए वो अपना गाड़ी चला रहा है कैसे, माने कि वो उसी को हम गाना गाए हैं सर अपना से। अरे लाइन क्लियर रहे सीटी बजावेला, सब कोई के अपना ओ रे सब के तकावेला, सब कोई के अपना ओ रे सब के हो तकावेला, हे हे अबना चढ़ाब हे राजा जी, हो अबना चढ़ाब राजा फट फटिया पर, राजा अमना चढ़ाब फट फटिया पर, राजा अबना चढ़ाब फट फटिया, अबना चढ़ाब ए राजा जी, हे हे अबना चढ़ाब राजा फट फटिया पर, राजा अबना चढ़ाब फट फटिया पर, राजा अबना चढ़ाब फट फटिया पर, राजा
अब न चढ़ब फोटा फटिया पर। वाह क्या बात है दोस्तों, वाह मजा आ गया यार एकदम। मतलब जिस तरह से गाना को एक्सप्रेस कर रहे हैं मस्त है भाई, एकदम सुरीली आवाज में गा रहे हैं। आजकल के गायक ऐसे बिना गला का ही निकाल लेता है स्टूडियो में गाना। ऐसा मतलब छोटा छोटा बच्चा लौंडा भी होता है जिसको कुछ नहीं बुझाता है गाना स्टूडियो में गाना गा दिया। स्टूडियो में जाता है इतना गंदा गंदा गाना गाता है, मार मिलियन में व्यू चला जाता है। जो रियल टैलेंट है जिसको लोगों को प्रमोट करना चाहिए वो नहीं करते हैं। इनको आप प्रमोट कीजिए, इनको प्रमोशन के लिए, प्रमोट होने के लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देख सकते हो अभी इन्होंने गाया गया फटफटा ही आज, मतलब जो बाइक होता है, जो लौंडा लोग होता है अभी आजकल के युवा लोग जो पूरा स्पीड में मकाते चलता है, एकदम इधर उधर लहरिया कट मारते चलता है और पीछे में बैठाया रहता है अपने, समझ सकते हो वाइफ को या कोई गर्लफ्रेंड वगैरह को। क्या होता है साड़ी फंस सही बात है, किसी इस वजह से मौत भी हो जाता है, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। हेलमेट नहीं पहनता है, सही बात है, बताइए नया पालन नहीं करता है। हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट भी पहनना चाहिए बिल्कुल। देख सकते हो इनका सोच कितना अच्छा है दोस्तों। हेलमेट पहनने पर क्या होता है सर, चोट नहीं लगेगा तो बच सकते हैं। अब बहुत लड़का संभाल रहा है, इस वीडियो को एकदम शेयर करो दबा के। हेलमेट नहीं पहनता है सर, हेलमेट अब बहुत तेज चलाता है मोटरसाइकिल, जान लीजिए। जो जो ये वीडियो देख रहा है एक बार शेयर जरूर कर दे। बिल्कुल बांसुरी बजाते हैं सर, बांसुरी। हाँ जैसा कि आप देख सकते हैं इनके हाथ में दो बांसुरी है, ये मुरली है सर, मुरली है, एक मुरली है और एक बांसुरी है, ये बांसुरी है। अच्छा तो बांसुरी भी आप बजा लेते हैं अच्छी तरह से, मुरली बजाते हैं, बजा दीजिए। ये बांसुरी हो गया सर, नाक ले बांसुरी बजाते हैं। ओ भाई साहब नाक से बांसुरी बजाते हैं, देखिए सर अनबिलीवेबल। वाह क्या बात है, अनबिलीवेबल गाइज। अभी आपने देखा इन्होंने जो है अभी जो नाक है नाक से यार बांसुरी बजाया, क्या टैलेंट है इनके अंदर यार। और जो बांसुरी है नाक से जो बजाया बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक इन्होंने निकाला बांसुरी से नाक के द्वारा दोस्तों, रियली ब्यूटीफुल। और ये देखिए मुरली हो गया, मुरली, अब मुरली भी बजाने वाले हैं ये। मस्त गाइज, देख सकते हो इनकी जो आवाज़ है, जो बांसुरी बजाते हैं और अलग अलग जानवर के आवाज़ निकालते हैं और जो लालू जादू के आवाज़ निकालते हैं, एकदम एक तरह से कह सकते हो मायरिकल है इनका जो गाला है, एकदम माँ सरस्वती इनके अंदर विराजमान है दोस्तों, एक तरह से कह सकते हो। और ये रहते हैं यहीं पर सासाराम के कलेक्ट्रेट के पास, अगर आप मिलना चाहते हैं इनसे तो कभी भी मिल सकते हो, यहाँ पर वर्क यहीं पर करते रहते हैं। जो रियल टैलेंट है उसको सपोर्ट करना आप लोगों को यार बहुत यार में भुखमारी है सर। बनता है, हम दिल से बोल रहे हैं यार। तो फिलहाल की आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही गाइस, आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल दबाना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द ब्लॉग गाइज, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। तेरी सर की कसम मैं जल्दी से लौट आऊंगा, मैं तुझे
छोड़ के कहाँ जाऊंगा कहाँ जाऊंगा। वाह 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 क्या बात है। आई वाह।